वेलकम टू फूड प्लस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घर में खुश होंगे और मज़े से रोज़े रख रहे होंगे। हम सब की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और आज जो है फर्स्ट रोज़ा है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने सहरी बनाई है। तो सहरी का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कुछ खास था नहीं, सिर्फ सिंपल हमने पराठे बनाए थे। और बस पराठे थे, सालन था और दही थी। बच्चों ने भी साथ रोज़ा रखा था, टाइम कम था, जल्दी जल्दी में जो है मसरूफ़ थी सहरी बनाने में, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। खैर, यहाँ पर जो है अभी तकरीबन 10 बजे का टाइम है और मेड आई हुई थी, क्लीनिंग कर रही थी वो। तो मौसम जो है बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही रोज़े स्टार्ट हुए हैं तो ना मौसम बहुत अच्छा हो गया। हालांकि थोड़े दिन पहले जो है काफ़ी गर्मी गर्मी सी हो रही थी, और लेकिन अब जो है मौसम बहुत अच्छा हो गया है। इंशाल्लाह रोज़े जो हैं, रमज़ान अच्छा गुजरेगा, अल्लाह से उम्मीद है कि अच्छा ही रहे। तो खैर, यहाँ पर जो है थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह की है और थोड़ी सी हमने डेकोरेशन की थी रोज़ों के लिए। अब्दुल हादी को कॉन्सेप्ट देने के लिए हमने थोड़ा सा जो है डेकोर किया था घर में और उसको समझाया था। और क्योंकि वो माशाल्लाह बड़ा हो रहा है तो उस चीज़ों को समझ रहा है, तो फिर हमने उसको समझाना था। और बाकी बड़े बच्चे तो साथ में जो है अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रख रहे हैं। तो खैर, हमारे घर में फ़िलहाल जो है एक ही बेरोज़गार होता है, अब्दुल हादी। यहाँ पर जो है देखिए कितनी प्यारी कीरियाँ लगी हुई हैं, देख इनको मुँह में पानी आ रहा है, दिल चाह रहा है उतार के चटनी बना लूँ। और अभी थोड़ी छोटी या बड़ी होंगी तो बनाऊंगी। और बस यहाँ पर जो है अभी अफ्तारी का टाइम हो गया है और मैं बना रही हूँ अफ्तारी जल्दी जल्दी। दिन जो है तकरीबन सो के गुजरा और बस नमाज़ के टाइम पर उठे थे, नमाज़ पढ़ी और अब मैं जो है अफ्तारी बनानी शुरू कर रही हूँ। मैंने सब्ज़ी बनाई है सुबह के लिए, सहरी के लिए, और क्योंकि घर में कोई सालन इस वक्त खाएगा नहीं, सिर्फ सहरी करनी होती है। सहरी में बहुत थोड़ा सा सालन खाते हैं, ज़्यादातर जो है दही इस्तेमाल करते हैं, पराठा होता है, दही होता है, ऑमलेट वगैरह होता है, तो सालन जो है ना बहुत कम यूज़ करते हैं। तो जल्दी जल्दी जो है अफ्तारी बना रही हूँ। और आज जो है अफ्तारी में कुछ, तो अफ्तारी में जो है मैंने यहाँ पर दही भल्ले बना रही हूँ और बनाऊँगी साथ में बहुत मज़े की चना चाट। सारी चीज़ें जो है तकरीबन पहले से तैयार करके रखी हैं, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था क्या क्या तैयारी किया, और बस वही उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए जो है जल्दी से क्विक सी अफ्तारी बना लेंगे। मैं बना रही हूँ दही भल्ले बना रही हूँ और चना चाट साथ में बन रही है, यहाँ पर दही वगैरह उसके लिए तैयार कर रही हूँ। और सिंपल जो है जो भी हमने पहले से तैयार किए हुए थे रोल और समोसे पकौड़े, ये सब होंगे अफ्तारी में। तो ख़ास कोई लंबी चौड़ी अफ्तारी नहीं थी, सिंपल सी अफ्तारी थी। बच्चे जो है ना यही चीज़ें ज़्यादा शौक से खाते हैं, हालांकि हमारा इतना इरादा नहीं होता ऐसी जी फ्राइड चीज़ें खाने का। मैं भी खा लेती हूँ शौक से, हस्बैंड तो बिल्कुल नहीं खाते, वो तो बहुत कम खाते हैं। खैर, मैं और बच्चे मेरे थोड़े से हम लोग चटोरे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी अफ्तारी ऑलमोस्ट तैयार है। सिंपल सा हमारा फ्रूट का बाउल तैयार हो गया, मैंने इसके ऊपर कोई ख़ास ड्रेसिंग नहीं की, सिर्फ हल्की सी काली मिर्च डाली है बस, क्योंकि हस्बैंड को इसी तरह खाना था, उनको कोई भी स्पाइसेस नहीं चाहिए था फ्रूट के साथ। तो ये भी चला जाएगा फ्रिज में, जो चीज़ें बना रही हूँ उनको फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि अभी अफ्तारी में थोड़ा टाइम बाकी है, बस जल्दी से बना लूँगी। और अभी शुरू कर रही हूँ फ्राइंग। फ्राइंग जो है उसमें मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं समोसे और रोल, आप लोगों के साथ इनकी रेसिपीज़ वगैरह पहले शेयर की थी और पिछली वीडियो में आपने देखा था मैंने क्या क्या बना के रखा, बस वही है, चिकन शॉर्ट्स हैं, नगेट्स हैं साथ में अब्दुल के लिए, और बच्चे खाएंगे रोल और समोसे और पकौड़े दूसरे बच्चे। तो बस यहाँ अफ्तारी का टाइम हो गया और जल्दी जल्दी हम अफ्तारी करेंगे। और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, बस बाकी जो है माशाल्लाह अफ्तारी शुरू कर रहे हैं और मुझे डांट पड़ी है कि तुम भी जल्दी से आ जाओ। और बस जो जनाब अफ्तारी मैं भी कर रही हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबके दस्तरखान को इसी तरह भरा हरा भरा रखे और सबके घर में खुशियाँ दे और सबको अपने प्यारों के साथ जोड़ के रखे, आमीन। ये हमारा सारा खानदान, नजर आता नहीं है अंधेरा इतना। मामा मैं व्लॉग बनाऊं? आगे से बना के लाता हूँ। रात के काले अंधेरे में जाते हुए हम फाइनली अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। फिर भाग भागो,
आरिस इधर आ जा। व्लॉग बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये कौन है? कौन है? आला बड़ा मजा आ रहा है लेकिन जैसे घुस के चली गई। वो एक बच्चा आ रहा है। हाय करो। हाय हाय कर दो।